किसी के घर वालों ने क्या लिख दिया एक आयाती मंत्री के रूप को कि भाई बचा करके मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गलती कर दी है, इसका दंश भुगतना ही पड़ेगा आने वाले कल में। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भुंजा पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, बारी बारी से उनके फोटो उड़ा दिया जाता है। पहले ललन सिंह की फोटो उड़वाई चौधरी जी ने, आज बिजेंद्र यादव जी का ये फोटो उड़ा दिया गया बैनर से। कब आपको डिच करके भागेंगे मुख्यमंत्री जी? आपकी आभा तो डुबा ही दिया, पार्टी भी डुबाएगा, याद करिएगा। जदयू के प्रदेश कार्यालय में कल संगठनात्मक बैठक थी, जिस बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन इसी बीच जो है जदयू के कद्दावर नेता हैं और जदयू कोटे से मंत्री हैं बिजेंद्र यादव, वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि पोस्टर में उनका कहीं भी तस्वीर नहीं नजर आती है। इससे वो गुस्से में कहते हैं हम जदयू में तो हैं ही नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा है कि हमने मजाक किया था, लेकिन देखिए इसको लेकर के अब सियासत भी खूब हो रही है। और राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, वो जो है खूब बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के भुंजा पार्टी में जो मंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं वो इस तरह का काम करवा रहे हैं, पोस्टर से जो है तस्वीर बड़े बड़े नेता का हटवा रहे हैं। पहले ललन सिंह का हटवाया, उसके बाद अब देखिए बिजेंद्र यादव का हटवा रहे हैं। और इसी बीच देखिए एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बचाकर बड़ी गलती कर दी, इसका परिणाम जल्द भुगतना पड़ेगा। देखिए जदयू के कद्दावर नेता है और उनकी पत्नी जो है इस तरह की पोस्ट लिखती है, उसको लेकर के भी शक्ति यादव ने इस बात को रखी है और कहा है कि देखिए उन्हीं के नेता जो है इस तरह की बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी इस तरह की बात कह रही है तो जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है और अंतर कलह चल रही है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, सबसे पहले आप वो सुने। जदयू की विचित्र स्थिति है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भुंजा पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, बारी बारी से उनके फोटो उड़ा दिया जाता है। पहले ललन सिंह की फोटो उड़वाई चौधरी जी ने, आज बिजेंद्र यादव जी का ये फोटो उड़ा दिया गया बैनर से जो बैठक चल रही थी। काफी नाराज हो गए, उन्होंने यहां तक प्रतिक्रिया दे दी कि अब तो जदयू में है ही नहीं। मन मनोवल हुआ, खबरें चलने लगी, नीतीश जी ने आग्रह किया, फिर वो मजाक कह करके बात को टाल दिए। जो सागिर्द है माननीय मुख्यमंत्री के, जिनका जदयू और समता पार्टी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जो आयाती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आयाती प्रजाति है, वो लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के आभा को भी और इर्द गिर्द जो जिनके अंदर अभी भी नैतिकता की हल्की एक बूंद हया की बची है, उनको धीरे धीरे सबको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। तो जदयू तो इन दिनों क्या एक इस अंतर कलह से गुजर रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी के घर वालों ने क्या लिख दिया एक आयाती मंत्री के रूप को कि भाई बचा करके मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गलती कर दी है, इसका दंश भुगतना ही पड़ेगा आने वाले कल में। उन्होंने तो सान्निध्यता प्राप्त ही कर ली है, ये तो सिर्फ खाली आपके यहाँ संग्रही भूमिका के लिए खड़े हैं। कब आपको डिच करके भागेंगे मुख्यमंत्री जी? आपकी आभा तो डुबा ही दिया, पार्टी भी डुबाएगा, याद करिएगा। तो आपने सुना किस तरीका से जो है जदयू के ऊपर बरस रहे हैं और खास करके जो है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी कह रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं जो सीएम नीतीश कुमार के भुंजा पार्टी में शामिल नहीं होते हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बड़ा जो है बात उन्होंने कह दिया है कि उन्हीं के कद्दावर नेता की पत्नी, उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी को बचाकर बड़ी भूल कर दी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।